दिवाली पर दिया है मेरी ही सब्सक्राइबर ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट, एक्सपेक्टेड नहीं था। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, अपनी ही एक फैमिली मेम्बर ने मुझे इतना प्यारा दिवाली गिफ्ट दिया है जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और इम्पॉसिबल था। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ तो इम्पॉसिबल होता नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन सब कुछ हमारे भरोसे पे चलता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगी, लेकिन आपको शॉर्ट में सब कुछ बताने वाली हूँ, क्या है स्टोरी और मैं क्यों इतनी खुश हूँ इस गिफ्ट को लेकर। अपनी ही एक फैमिली मेंबर है, उनका नाम सोनाली है, जो कोलकाता में रहती हैं, एंड मेरी उनसे 2-3 महीने ले लो या 4-5 मंथ से कॉल कंसल्टेशंस पे बातें होती हैं, एंड मेरी उनसे बहुत लंबी बातें होती हैं। शी यूज़ टू शेयर ऑल हर थिंग्स, मतलब जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझसे सब शेयर करती हैं। एंड उनकी लाइफ में भी एक लव इशू चल रहा था जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड मुझसे उसके लिए कंसल्टेशंस लेती थी। लेकिन सबसे गलत बात मुझे उनकी लगती थी या उनकी सिचुएशन की लगती थी कि वो खुद को नहीं समझ पाती थी, वो खुद से प्यार नहीं कर पाती थी। वो टेक्निक्स करती थी, वो सब कुछ करती थी, शी यूज़ टू डू एवरी सिंगल थिंग कि जिससे उनका रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन उनको सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि वो खुद को नहीं समझ पाती थी, वो सेल्फ लव नहीं कर पाती थी, करना चाहती भी थी लेकिन कहीं ना कहीं वो वो चीज़ उनको सपोर्ट नहीं कर पाती थी, जिससे वो हमेशा एंड में सिर्फ उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते थे। एंड मैंने उनको यही बोला, सोनाली, दैट आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, यू आर डूइंग अ लॉट मैनी थिंग्स फॉर योर मैनिफेस्टेशन एंड लव इशू, आप बस एक ही चीज़ करो, सब कुछ करना बंद कर दो एंड सेल्फ लव पे फोकस करो। शी वॉज लाइक, नहीं दी, मुझे अब वो बंदा चाहिए, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, बस मुझे वो बंदा चाहिए। उन्होंने हर टेक्निक करी, आज ही मेरी उनसे सुबह कॉल पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उनने हर चीज़ करी मैनिफेस्टेशन के लिए, शी ट्राइड एवरी सिंगल थिंग, बट उनको सक्सेस नहीं मिला। और सक्सेस क्यों नहीं मिला? बिकॉज वो सेल्फ लव नहीं कर रही थी। एंड बहुत दिन से बीच में गैप हो गया था, मेरी उनसे कॉल पे बात नहीं होती थी, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था, सोनाली, कि प्लीज़ डू सेल्फ लव, आप सेल्फ लव करो, आप सब कुछ आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगा, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यूनिवर्स आपकी लाइफ को मिराकुलस बना देंगे। बट उनकी एक ही जिद थी, मुझे वो बंदा चाहिए, मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे वो बंदा अपनी लाइफ में चाहिए। उनने बीच में सेल्फ लव करना भी शुरू कर दिया था मेरे बताने पर, फिर वो नेगेटिव हो गई एंड फिर डाउन हो गई। आज मेरी उनसे बात हुई एंड उनने बस एक ही सेंटेंस बोला जिसने मेरा दिन बना दिया, आई फील वेरी हैप्पी दैट अब वो कर नहीं है, अब उनकी लाइफ में सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। शी वॉज लाइक, दी, अब मेरे अंदर सेल्फ लव है, मुझे अब खुद से मतलब है, वो बंदा आए नहीं आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरी खुशी मेरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जब मैंने उसको सुना, आई वॉज लाइक, ये फाइनली आपको सेल्फ लव आ गया है, आप उस स्टेज में आ गए हो, मतलब वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव में इतना ज़्यादा डूबे हो। एंड मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई इंसान अपने आप को समझ जाता है, सेल्फ लव करना शुरू कर देता है, वो अपनी लाइफ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। क्योंकि भले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो नहीं करो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद ब खुद यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें करना शुरू कर देंगे, खुद ब खुद आपके लिए सब कुछ द बेस्ट होने लग जाएगा। आज मैंने उनको यही बोला, आपको नहीं करना है टेक्निक, आप मत करो, आप बस सेल्फ लव करो, आज आपसे मैंने बात करा है और आप ऐसे ही रहना क्योंकि आप ऐसे बहुत प्यारे लग रहे हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने खुद को समझा एंड शी इज़ डूइंग द बेस्ट इन हर लाइफ। आज उनसे बात करके मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे यार, कि कहाँ वो बंदी रोती थी, कहाँ वो बंदी कॉल कंसल्टेशंस पे शी वॉज लाइक कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, एंड टुडे शी वॉज जस्ट स्माइलिंग, टुडे शी वॉज जस्ट हैप्पी, और उस चीज़ ने मेरा दिन बदल दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि कैसे लोग अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, कैसे लोग सेल्फ लव को समझ के उसे कर रहे हैं ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स खुद ब खुद उनके लिए लाइफ में काम करने लग जाएंगे। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, गा रहे हैं, थक चुके हैं, और एक बात सबसे अच्छी मुझे उनकी और लगी, शी वॉज लाइक, आज उन्होंने मुझसे बोला, दी, नहीं होता है ना तो मत होने दो, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स जो करेंगे मेरे लिए द बेस्ट करेंगे क्योंकि मैं अपने सेल्फ लव स्टेट पे हूँ और मेरे साथ सब बेस्ट ही होगा। एंड आई वॉज लाइक, यार, तुम सबसे सही जगह पर आ गई हो, तुमने खुद को समझ लिया है और अब तुम्हारी लाइफ में भी वही होगा जो तुम डिज़र्व करती हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो आज मैं नाम लूँगी सोनाली का, एंड प्लीज़ लव यू सोनाली, प्लीज़ सब लोग उनको कंग्रेचुलेशन ज़रूर बोलना क्योंकि अब वो अपने स्टेट पे आ गई हैं, वो अपने उस स्टेज पे आ गई हैं जब यूनिवर्स उनके लिए मिराकल करने वाले हैं और
और अब जो उनकी लाइफ होने वाली है वो अनएक्सपेक्टेड मिराकल से भरने वाली है, क्योंकि यही एक स्टेट होता है जो इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है ना, आगे खुद ब खुद यूनिवर्स उन्हें ले जाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, और प्लीज़ अब आप लोग भी ऐसे बन जाओ, धीरे धीरे करके सेल्फ लव करो। मिरर टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है सेल्फ लव के लिए। अगर आपने अब तक मेरा मिरर टेक्निक पे वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। और ये नया सेटअप जो आप देख रहे हो आदित्य ने मेरे लिए करा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। दिवाली पे उसने भी मुझे इतना प्यारा सा सेटअप करके दिया, थैंक यू सो मच आदि, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो मेरे लिए इतना सब करता है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्स टू सोनाली, ऐसे ही रहना। मेरी लव इज़ आर्मी भी अब धीरे धीरे करके ऐसे बन जाओ, फिर हमें हमारी लाइफ में द बेस्ट ही मिलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। रात को आ रही है न्यू सीरीज, तो उसके लिए भी एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि अब सिर्फ मिराकल ही मिराकल होने वाले हैं। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।